मध्य प्रदेश पोस्टल डाक सर्विस, यानी कि एमपी पोस्टल सर्विस जॉब निकल चुकी है जीडीएस पोस्ट की। तो मध्य प्रदेश पोस्टल जीडीएस जॉब 2023 रिक्वायरमेंट है। अब कुछ खास बातें हम इनके जान लेते हैं। जो इनकी रिक्वायरमेंट है जिस पद के लिए, वो है जीडीएस, इसका मतलब है ग्रामीण डाक सेवक। बीपीएम मतलब है ब्रांच पोस्ट मास्टर, ब्रांच पोस्ट मास्टर। और एबीपीएम का फुल फॉर्म है, ए मतलब हो जाता असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ये तीन जो है पोस्ट निकली हुई है, जीडीएस, बीपीएम और एबीपीएम की पोस्ट निकली हुई है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट की अगर बात करें तो स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है वो है 27 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो चुकी है, मतलब आज से। और लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 16 फरवरी 2023 को लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने के लिए। और ये ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कोई मैनुअल अप्लाई नहीं करना है, इसको विशेषकर ध्यान रख के। कैसे अप्लाई करना है, किस प्रकार से, आप खुद घर बैठे अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हो। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो स्टार्टिंग डेट है 27 जनवरी 2023 और लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन के लिए 16 फरवरी 2023। अब आते हैं इसकी एलिजिबिलिटी में कि पात्रता क्या है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो मस्ट पास 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, मतलब कि दसवीं पास होना अनिवार्य है, दसवीं पास होना अनिवार्य है या इसके समकक्ष आपको किसी भी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास होना जरूरी है। इसको विशेषकर ध्यान दें कि दसवीं पास वाला व्यक्ति इसको भर सकता है। मस्ट हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज, जो भी व्यक्ति जिस ब्लॉक में, जिस क्षेत्र में या जिस जिले में अपने तौर तरीके से रहता है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज उससे आनी चाहिए, इसका विशेषकर ध्यान दीजिएगा। अब अदर क्वालिफिकेशन स्किल की बात करें तो नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर साइकिलिंग, उससे साइकिल चलाते बनना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना अनिवार्य है, ये ध्यान दें। ये चीज़ें ज़्यादा, ये कंप्यूटर नॉलेज इम्पॉर्टेंट है, इसका विशेषकर ध्यान रखें। दसवीं पास होना अनिवार्य है और लोकल लैंग्वेज वहाँ की आनी चाहिए, जो वहाँ की जो भाषा है वो बोलते आना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कभी कभी वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो होती है वो हर किसी से नहीं आती है, तो उसको टैकल करते आना चाहिए। फिर अब एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात कर लें, तो एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो UR, OBC और EWS वाले जितने भी लड़के हैं उसको 100 रुपीस लगेगा, यानी कि UR, OBC या जनरल वाले या EWS वाले अगर लड़के हैं तो 100 रुपीस लगेगा। अगर SC, ST या फिर कोई भी लड़कियां हों तो उनको लगेगा नील, एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है UR, OBC, EWS जो लड़के हैं उनको 100 रुपये लगेगा और SC, ST या फिर फीमेल वालों को कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, इसे विशेषकर ध्यान देना है। एप्लीकेशन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एज लिमिट जो बताई गई है GDS के लिए वो बताई गई है 18 से 40। तो ये जो भी पोस्ट आपको हमने बताई है ये 18 से 40 के बीच उम्र होनी चाहिए। एप्लीकेशन जब से फॉर्म जो निकला हुआ है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 27 जनवरी 2023, इस समय उनकी डेट, उनके जो उम्र है वो 18 साल से 40 साल तक होनी चाहिए, उसी के बीच का। अब स्केल ऑफ पे, उनकी सैलरी की अगर हम बात करें तो ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि BPM की जो सैलरी रहेगी वो 12,000 से लेके 29,380 के बीच रहेगी, ये पे बैंड रहेगा। और जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक होगा वो दोनों की जो सैलरी होगी, पे स्केल
लगभग लगभग होगी अप्रॉक्सीमेटली 10,000 से लेके 24,470, और जो भी मानदेय राशि के डाक के नियंत्रण द्वारा जो दिया जाएगा वो ऊपर से गवर्नमेंट तय कर देगी। फिलहाल पे भी जानकारी इतनी है कि बीपीएम की जो सैलरी होगी वो 12,000 से 29,380 की रहेगी, और एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की जो सैलरी होगी पे स्केल 10,000 से लेके 24,470 तक रहेगी। ये पे स्केल है, इसको ध्यान दें, स्केल ऑफ पे। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो एमपीजीडीएस की जो पोस्ट है वो है 1,841 पोस्ट, इसको नोट डाउन कर लें। जो टोटल वैकेंसी की पोस्ट है वो 1,841, इसको फिल करना है। अब अंत पे आते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है कि किस प्रकार से क्या है, रिक्वायरमेंट कितना है, जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक का है, फिर बीपीएम है ब्रांच पोस्ट मास्टर का, और एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये रिक्वायरमेंट है इस पदों के लिए। 27 जनवरी 2023 से स्टार्ट हुआ, अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। लास्ट डेट है अप्लाई ऑनलाइन करने की 16 फरवरी। 10वीं पास होना अनिवार्य है, वहाँ की जो लोकल भाषा है उसका ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, और जो एप्लीकेशन फीस है एससी एसटी या कोई फीमेल हो उसको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। बाकी जनरल यूआर ओबीसी डब्ल्यूएस वाले जो मेल होंगे उनको 100 रुपये देना पड़ेगा, ये ऑनलाइन ही कटेगा। और एप्लीकेशन क्राइटेरिया 18 से 40 है, और स्केल ऑफ पे मैंने बता दिया, बीपीएम की 12,000 से 29,380 के बीच रहेगी, और पे स्केल होगी एबीपीएम डाक सेवक की 10,000 से लेकर 24,470, और टोटल वैकेंसी 1,841 होगी। अब हाउ टू अप्लाई, अब देखिए अप्लाई कैसे करना है। एलिजिबल एस्पायरेंट्स विजिट रिक्वायरमेंट सेक्शन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया पोस्ट जीडीएस online.gov.in एंड रीड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन फ्रूली। देखो सबसे पहले ये बताया गया है कि जो भी व्यक्ति या जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होगा वो सबसे पहले वेबसाइट यहाँ पे जाना है। ये वेबसाइट पे आपको सबसे पहले जाना है और वहाँ की जो नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से ध्यान से उसको पढ़ लेना है। तो अब देखो, अब स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ कि आप खुद ही अपना फॉर्म भर सकते हैं, कोई बिना पैसा बर्बाद किए खुद से कर सकते हैं। इंटरनेट का ज़माना है, अब स्मार्टफोन तो ज़्यादातर लोगों के पास है, तो देखिए ऐसे भर सकते हैं ना। अगर तो इसको भरने के लिए इंडिया पोस्ट, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोल लेना है, गूगल में आना, गूगल में आपको टाइप करना है इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन डॉट गॉव डॉट इन, इसको सेम टू सेम इसको टाइप करना, इसको अच्छे से लिख लीजिए, मैं जूम कर देता हूँ। इस वेबसाइट में जाना है, इस वेबसाइट में जाने के बाद आपको डू द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो भी आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे जो भी दिया रहेगा फॉर्म फिल करने के लिए, नेम डेट ऑफ बर्थ जो भी पूछता है उसको आपको भरना है। फिर भरने के बाद जब आप नेक्स्ट करोगे या सबमिट करोगे तो फिर आपको एप्लीकेशन फीस देनी है। उसके बाद फिर बाद में फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, एक एप्लीकेशन फॉर्म फिर खुलेगा जिसमें और भी ज़्यादा जानकारी आपको डालनी पड़ेगी। उसको डालने के बाद डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड कर देना है, वो जैसे फ़ोटो सिग्नेचर जो भी डॉक्यूमेंट वो कहता है उसे अपलोड कर लेना है। और अपलोड के अगर आपको कोई प्रॉब्लम जा रही तो मेरा नंबर दिया हुआ है, उसकी ये आप फ़ोन करके आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट में नीचे दिया होगा एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए, वो बटन आप जो है क्लिक कर दीजिएगा, और उसके फिर बाद में टेक ए प्रिंट आउट फॉर फर्दर यूज़, फिर उसकी प्रिंट आउट जो है आप निकाल लीजिएगा। इस प्रकार से आसानी से आप इसको भर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।